है इस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो कॉन ही क्लास ऑफ क्लैन के वीडियो में आप सभी का वेलकम है और कि जर आप लोग क्लास ऑफ प्लेन खेलते हो तो किसी जर ऐसा बेस आपको जरूर कभी ना कभी देखने को मिला होगा क्लेश ऑफ क्लैन में तो कि जर आप लोग सोचते हो गई जर ऐसे कैसे पॉसिबल है और क्या कहीं जर आप लोग ऐसा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले और इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में आपको बताऊँगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और प्लीज़ यार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेलाइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना तो गई सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे होता है और ये जो गईज़र यहाँ पे मैं बात करूँ तो गीजर पहले जो गेम में ये ऐसा होता था जैसे कहीं जर यहाँ पे मैं टाउन हॉल सेवन के बेस पे हूँ और अगर आप लोग टाउन हॉल अपग्रेड करोगे अभी की अगर मैं बात करूँ तो गीज़र आप देखोगे रिक्वायर्ड बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है बट यार पहले अगर मैं बात करूँ तीन चार साल पहले दो तीन साल तो कहीं सर आपको ये ऐसा नहीं देखने को मिलता था आप सीधे टाउन हॉल को अपग्रेड कर सकते थे बिना यहाँ पे आपको किंग को अनलॉक ही ऐसे ही कहीं जर यहाँ पे लोग रस कर रहे थे ऐसे यूज़ करके यही मेथड और इससे कहीं जर वो लोग यहाँ पे रस कर दे रहे थे कोई भी टाउनल पे जैसे टाउनल 11 हो गया या फिर कोई भी अदर टाउनल होता है तो ऐसा बेसिस आपको देखने को अभी भी मिलते हैं तो कहीं जर यहाँ पर वो बात करते हैं अभी कैसे आपको बेसिस देखने को मिलते हैं तो कहीं जर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी टाउन हॉल कर रस कर दिया उस टाइम का और अभी कहीं जर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स को अनलॉक नहीं किया है तो कहीं जर उसका जो यहाँ पे जो बेस होगा तो वैसे ही सेम रहेगा जब तक वो अनलॉक नहीं करेगा और वैसे ही आपको सेम बेस देखने को मिलेगा कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा जब गई जर उसके यहाँ पे जो भी तो यहाँ पे रिक्वायर्ड बिल्डिंग्स है यहाँ पे अनलॉक कर लेता है उसके बाद से गई जर वो न्यू टाउन हॉल भी अपग्रेड कर सकता है तो कि जब आपने बहुत सारे ऐसे बेसेस देखोगे जो साल भर से वैसे ही हैं और उन्होंने यहाँ पे टाउन हॉल अपग्रेड नहीं किया अभी की अगर मैं बात करूँ टाउन हॉल अपग्रेड करोगे तो रिक्वायर्ड बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा बिना रिक्वायर्ड बिल्डिंग यहाँ पे अगर मान लो कोई भी बिल्डिंग्स आपने लॉक नहीं किया उसको बिना लॉक किए आप लोग टाउन हॉल के अपग्रेड नहीं कर सकते बट यार पहले ये बिल्कुल भी नहीं होता था और सो गईर में बात करते हैं अभी के टाइम में आप लोग ऐसा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो तो अभी के टाइम में गई ये इंपॉसिबल है आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते जैसा मैंने आपको बताया टाउन अपग्रेड करोगे तो आपको रिक्वायर्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि इधर पहले नहीं होता था ये अपडेट में आया और ये अपडेट आने से गई जर बहुत से ऐसे बेसिस थे जो ऐसे कम हो गए और बहुत से ऐसे लोग थे जो हाई टोनल को रश कर दे रहे थे और उससे गई झर वो लोग क्या कर रहे थे उसके पीछे का रीज़न यही था कि इधर वो लोग अपग्रेड कर रहे थे अपने ट्रुप्स को अपग्रेड कर रहे थे जो भी यहाँ पे मेन मेन चीज़ें थी उसको अपग्रेड कर रहे थे जैसे हीरोज़ को अपग्रेड कर रहे थे उनसे यहाँ पे उनको वॉर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी और और अदर बिल्डिंग्स वो लोग थोड़ा भी स्पेंड नहीं कर रहे थे उनको अनलॉक ही नहीं कर रहे थे तो कि यार अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार वो उस टाइम के वो रस बेचते तो कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा उस टाइम के वो यहाँ पे रस बेसेस थे अभी कि अगर मैं रस बेसेस बताऊँ तो आप लोग देखोगे बहुत से ऐसे लेवल्स होते हैं लेवल वन के होते हैं और उनका जो टाउनल लेवल होता है बहुत ही हाई होता है और उनके बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं तो गईजर अगर मैं बात करूँ उस टाइम के वो थोड़े से यहाँ पर रस बेसिस होते थे जो गईजर लोग यहाँ पर रस कर देते थे और उससे पीछे का यही रीजन था कि यहाँ पर वॉर में अटैक करने रहते थे उनको अच्छे से यहाँ पर आप लोग वहाँ पर ट्रॉफी पुशिंग तो थोड़ा मुश्किल था बट यार यहाँ पर ट्रुप्स को अपग्रेड करते थे वॉर अटैक में उनको सिंपल हो जाता था और अच्छे अच्छे अटैक कर सकते थे हाइय लेवल कर देते थे ट्रुप्स को हीरोज़ को अपग्रेड करते थे तो वही रीजन था गईज़र आपको वहाँ पे देखने को मिलता है फिर से आपने बहुत सारे बेसिस देखा होगा सबसे ज़्यादा आपको टाउन अलेवन के बेसिस देखने को मिलते हैं तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको टाउन हॉल अलेवन के ही बेसिस देखने को मिलते थे मतलब टाउन हॉल अलेवन ही हाइयर टाउन हॉल था अभी की अगर मैं बात करूँ तो यार अभी यहाँ पे टाउन हॉल फोर्टीन जो है यहाँ पे हाइयर है मतलब हाइएस्ट टाउन हॉल लेवल है अभी की अगर मैं गेम में बात करूँ तो टाउन हॉल फोर्टीन जो अपडेट है यहाँ पे हाइएस्ट लेवल है टाउन हॉल का तो गई सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यही अपडेट था बस यही मैं बताना चाह रहा था कि आपने बहुत सारे ऐसे बेसिस होंगे इस टाइप के तो बस यार आज के बाद से ये मत समझना कि गई सर ये ऐसे बेसिस ऐसे कैसे कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी तो यार चैनल पर नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार ऐसे वीडियो तो मैं अपलोड करता रहता हूँ तो बस यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलता है और वीडियो के साथ तब तक के लिए